इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा दी गई है। धनंजय सिंह पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अपहरण और रंगदारी केस में धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है। जौनपुर MPMLA कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला। धनंजय सिंह चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे, इसी पर संशय की स्थिति लगातार बनी हुई थी। और अब ये बड़ा अपडेट पूरे मामले में, पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा का ऐलान। धनंजय सिंह पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। अपहरण और रंगदारी केस में धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है MPMLA कोर्ट की तरफ से, ये बड़ा फैसला। अब ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में धनंजय सिंह नहीं लड़ पाएंगे, ये तय हो गया है। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। एहतेशाम, क्या कुछ अपडेट है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहा गया? देखिए, बड़ा मामला था वो कोर्ट ने तय कर दिया है। 7 साल की सजा सुनाई है धनंजय सिंह को। और धनंजय सिंह तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ये भी जो इनके ऊपर मुकदमा है वो काफी पुराना मुकदमा है। नमामि गंगे के इंजीनियर के साथ बदसलूकी, अवैध वसूली और कई तरह की धाराएं लगी थी। उस मामले में सुनवाई चल रही थी और ये कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद ये तय किया था कि आज फैसला सुनाएगी। उस फैसले के मद्देनजर 7 साल की इनको सजा सुनाई गई। ऐसे में ये अब पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे वो नहीं देख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो जौनपुर की सियासत है वो पूरी तरह से गर्मा गई है। एहतेशाम, और चूंकि जाहिर है धनंजय सिंह की तरफ से प्रयत्न बहुत सारे किए गए, इन प्रयत्नों में अब क्या आगे कुछ किया जा सकता है? धनंजय सिंह की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है इसमें? देखिए, धनंजय सिंह की पहुंच भी अच्छी खासी है और राजनीतिक रसूख भी है, तो धनंजय सिंह अपने बचाव में कोई ना कोई फैसला लेंगे। लेकिन अब समय बेहद कम है और इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट जाएंगे, ऊपरी अदालत में जाएंगे, जहां से उनको राहत मिल सकती है। लेकिन जो राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि इतना जल्दी राहत मिलना भी आसान नहीं है, क्योंकि आरोप काफी संगीन है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही हैं और धनंजय सिंह भी कई राजनीतिक पार्टियों से संपर्क बनाए हुए थे। लेकिन इस सजा के बाद जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी धनंजय सिंह से दूरी बनाएंगी और उनको टिकट देने से बचेंगी। तो ऐसे में धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी मन बना लिया था। ठीक है, लेकिन वो ठीक है।